दोस्तों, अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आप लेके मत जाना, क्योंकि आपको वापस कर दिया जाएगा। ये अब पेपर छूट गया, सब क्या देखो, भीड़ कितनी ज़्यादा हुई है भाई। कौन नहीं देखा पहले, ये बता तो माँ, तो आज पेपर है कुलदीप। अरे शाम मीटिंग गए तो तुमको सोचा यार बेस्ट अपलग बोल दिया यार। बहुत गहन अध्ययन चल रहा है पेपर के बाद, और ये है फाइनली भी अपना रूम, अंदर होते प्रवेश, चेक दिस। वर्षअप गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भैया? आज का ब्लॉग बिल्कुल नया तरीके से बनना है भाई, देख रहे हो सामने मिरर और मिरर के पीछे हम। तो भाई फाइनली भाई रेडी हो चुके हैं भाई, और टाइम हो गया भाई 8 बजने वाले हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, और वहाँ का तुमको पूरा भाई दिखाते हैं लोकेशन कैसा है और कितने बच्चे आए हुए हैं पेपर देने के लिए। और मेरी तरफ से भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना, क्योंकि 31 तारीख तक लगातार एग्ज़ाम है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है। हेलो जयराम भाई, कहाँ हो? ये बताओ तुम्हारा तो आज पेपर है कुलदीप, नहीं वीडियो कॉल नहीं देखा पहले, ये बताओ तुम्हारा तो आज पेपर है कुलदीप। अरे शाम मीटिंग गए तो तुमको सोचा यार बेस्ट अपलग बोल दिया यार दा। कुलदीप भाई बेस्ट अपलग यह मित्रता हो थी कुलदीप भाई, कितना हमको मानत है कुलदीप यार तुमको, आज हमको पता चला है। अरे कुलदीप दद्दा, तुमको हम जितना माने तब तक वो मनते नहीं भाई। यह बात सही कही कुलदीप भैया, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कॉल आ गए कुलदीप भाई, वीडियो कॉल आ गए, कहाँ टांगे दिखा रहे हो हमको तुम? यू कौन है भूसा राम लेटे भाई, कौन भूसा तो भरा का कहा? हाँ हाँ यार, ये तो यार तुम तो बहुत जुगाड़ू। तो दोस्तों हम लोग फाइनली हम लोग सेंटर पहुंच गए भाई, लेकिन भाई पहले से ज़्यादा सख्ती है भाई, जो पुलिस प्रशासन की सख्ती पहले से ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हो सामने लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, लोग पेपर देने के लिए भाई जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पहले से अब ज़्यादा सख्ती है। और दोस्तों अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आप लेके मत जाना, क्योंकि आपको वापस कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना लेके जाना। ये है क्या दोस्तों, जान तो ये है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अंदर नहीं ले जा सकते हो, पर हाँ ओरिजिनल ले जा सकते हो, और फ़ोटोकॉपी आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे, और ये मतलब बेकार ही जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल भी ना लेके जाएँ अंदर। और मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा, अब की बात मतलब प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एग्ज़ाम सेंटर सभी नियरेस्ट बनाए गए हैं बाई स्टेशन, मतलब स्टेशन रेलवे स्टेशन के बगल में या बस स्टैंड के बगल में, ज़्यादा दूर लोगों को नहीं जाना पड़ रहा है, इसी वजह से ज़्यादा छात्रों को तकलीफ भी नहीं हो रही है। और ये भाई सदर बाज़ार, आप देख सकते हो चारों तरफ, चेक दिस। और सामने भाई अपना है रूम, हम इसी रूम में, मतलब एक है ये सामने सिंह होटल है भाई, उसी में हम लोग ठहरे हुए हैं, और भी चलते आपको वहाँ का टूर दिखाएंगे, रूम कितने का पड़ा, कितना क्या चार्ज, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हैं भाई, भूख ज़्यादा लगी है यार। यहाँ पे एक चीज़ है यार भाई, प्रॉब्लम हो गई भाई, यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिला नहीं, सुबह इतनी जल्दी दुकानें खुली नहीं, इसी वजह से भाई खाने के लिए मिला नहीं। अभी हम लोग चलते हैं रूम पर, रूम का पूरा टूर करवाते हैं, उसके बाद बताते हैं ये रूम को कितने में मिला। और दोस्तों ये है सिंह गेस्ट हाउस, इसी गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए हैं, अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं भाई। ये है गैलरी। तो अभी हम न्यूज़ देख रहे थे भाई, एक अभी हमको न्यूज़ मिली है, एक महिला कांस्टेबल थी गोरखपुर में भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस के समय पेपर चल रहे हैं यूपीपी पुलिस के, और उसमें बताया गया है कि एक महिला कांस्टेबल थी, उसके फ़ोन में 4 एडमिट कार्ड मिले। सोचो भाई, पेपर शुरू हुआ नहीं कि धांधली स्टार्ट हो गई, अब पता नहीं क्या सही क्या गलत, अभी STF की जाँच चल रही है। लेकिन अब देखो भाई, मतलब क्या स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे हिसाब से बाबा की जो सरकार है, हो सकता है अब की बार ज़्यादा धांधली ना हो, और इस
धांधली पर वो लगाम लगाए क्योंकि बहुत सख्त कानून बने हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में लिखा है, बाबा ने सुबह ही एक कमेंट कर दिया है कि अब की बार योगी जी ने बोला है कि जो भी पकड़े जाएंगे उसमें सबके घर गिरा दिए जाएंगे, कुटकी की कर दिए जाएंगे। लेकिन देखो क्या होता है। और इससे पहले आपको रूम टूर कराता हूँ। और यह है फाइनली भी अपना रूम, अंदर होते प्रवेश चेक दिस, दो अपने परम मित्र बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप शीशे के दर्शन कर जिए। आपको रूम के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको शीशा मिलेगा प्यारा सा। इस सामने भाई बेड है, इसमें तीन लोग एडजस्ट हो सकते हैं, अगर चाहो तो चार लोग भी। सामने एक नीचे गद्दा पड़ा हुआ है और ये VVIP अलमारी देख रहे हो, डिज़ाइन कितनी ख़तरनाक है। इसमें क्या कुछ भी आप सामान रख सकते हैं उसके अंदर। और बैठने के लिए भाई ये मेज़ है, सामान भी रख सकते हो। और आपको ये चार्जिंग पिन, चार्जर पिन, चार्जर लगाने के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए मिलेगा ये। उस पर टेबल मिलेगी जहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो। चेक दिस, इधर भी आपको मिलेगा। इसकी डिज़ाइन देखो इतनी बढ़िया है, मतलब जो कलर किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने दो शेर, आज भाई का पेपर है भाई, अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई इनके साथ पेपर दिलाने के लिए आए हैं। और भाई आलोक का पेपर अभी तो चल रहा होगा, अभी हम लोग चलते हैं आलोक, देखते हैं आलोक का पेपर कैसा हुआ। और दोस्तों फाइनली भैया रूम से निकल लिया है और बस एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने वाले हैं, फिर पहुंच के वहां पर मिलते हैं हम लोग। आपस में पेपर की डिस्कशन चल रही है, देखो तीनों महिलाएं पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं भाई, यूपी पुलिस में का ही कहना है। सामने भीड़, अब पेपर छूट गया सब, क्या देखो भीड़ कितनी ज़्यादा हो गया भाई, कितनी ज़्यादा भीड़, उधर कितनी भीड़ लगी, सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत तगड़ा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बहुत बड़ा लग रहा भाई, हम तो क्वेश्चन किया है 150वां, 180 किया है भाई, तुम कितने किया? बनाया है वीडियो, बनाया है बच्चों से पूछते हुआ कैसा रहा वो यार, एक पुलिस वाला मिला रहा है, वो जितने वजन का कात रहा है, पेपर बच्चा बहुत सरल है, डबल स्टार लगा रहा है, कात बहुत कम कम लिखा है कि किया हुआ। तो भैया हम लोग चलते हैं, व्यू बहुत तगड़ा है भाई यहाँ का। टाइम हो गया भाई कितना, एक 1:10। दोस्तों फाइनली हम लोग लखनऊ पहुँच गए हैं भाई, अब यहाँ से जाने वाले उन्नाव, और भाई अपनी ट्रेन चित्तौड़ धाम एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इसी से हम लोग जाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये भाई अपने सामने ट्रेन और आलोक दद्दा हमारे आगे जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आप हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और फाइनली अपनी ट्रेन भाई रेडी हो चुकी है जाने के लिए, टाइम भी हो चुका है और आज का मौसम बहुत तगड़ा है,